आज के लाइफ चेंजिंग टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है वो एक जाने माने लाइफ कोच हैं, जिनका नाम है मिस्टर संजीव गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। आपका एक बहुत अच्छा एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। हम चाहेंगे कि वैसे तो आप बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, आज के लिए मैं चाहूंगा कि आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे बात करें और हम चाहेंगे कि एक अच्छा रिलेशन कैसे बने। अशोक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने टॉक शो में मुझे बुलाया और यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में बोलूँगा, मैंने आपके और भी टॉक शो सुने हैं, बहुत मज़ा आता है आपके टॉक शो में औरों को सुनने में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर से एक पीपल इंजीनियर बन गया हूँ। ऑफकोर्स ये मेरे लाइफ का पैशन था, पिछले 20 साल में मैंने इस जर्नी को जो फॉलो करा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसको आप रिलेशनशिप से रिलेट कर रहे हैं, ये मेरा भी बहुत ही प्यारा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे को लाइफ कोच के बदले में रिलेशनशिप कोच बोलना शुरू कर दिया। इंसान तीन चीजों के लिए ब्रॉडली जीता है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। उन तीनों में से अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है और अच्छी वेल्थ है, लेकिन आपके पास अगर रिलेशनशिप नहीं है अशोक जी, आप देखेंगे कि इंसान के लाइफ में ना बहुत बड़ा खालीपन हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए जो रिलेशनशिप वाली जो बात आपने करी, ये रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म के बारे में आपने बातचीत करी अशोक जी, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको मैं बोलता हूँ लाइफ का, इंसान की जिंदगी का फाउंडेशन है ये। अगर ये नींव स्ट्रांग नहीं है तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग सब धराशायी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बात करना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें कि जो सोशल मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसमें बहुत ज्यादा ये रहा है कि ये गैप्स आ गया है सभी। ब्रॉडली जैसा आप जानते हैं और हम लोग सब लाइफ में फील भी करते हैं कि रिलेशनशिप के चार एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल लाइफ में, पेरेंट चिल्ड्रन, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, दूसरा होता है कपल्स के बीच में, यानी कि चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो दो पर्सन जो दुनिया को चलाने में, आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। तीसरी रिलेशनशिप होती है जिसको हम बोलते हैं सिब्लिंग्स के बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में, ब्रदर्स और सिस्टर्स, इनके बीच के रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ रिलेशनशिप जो सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक जी, जिसपे लोग बात नहीं करते हैं और बहुत ज़रूरी भी है, जहाँ पर सब परेशान है, उसको हम लोग बोलते हैं इन-लॉज रिलेशनशिप। तो हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं अशोक जी। आपने जो पॉइंट टच कराया है, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ये आज के टाइम में बहुत क्रिटिकल होता है। पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में हमेशा जनरेशन गैप हमेशा रहा, हमारे पेरेंट्स के साथ रहा है, हमारे पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स के साथ रहा है, उनका रहा है। जनरेशन गैप तो एक स्टैंडर्ड फिनोमेना है, लेकिन अशोक जी आज ये इतना क्रिटिकल क्यों हो गया है, वो इसलिए है कि अब जो पेरेंट्स हैं और जो पहले पेरेंट्स थे, उस जनरेशन गैप में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। पहले इंडिया जैसी कंट्री में एक लीनियर ग्रोथ हुआ करती थी जमाने में, तो एक गैप इतना चलता था स्टैंडर्ड, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आप देखेंगे स्टैंडर्ड चलता था। बट लास्ट 3 decades जो इंडिया ने डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कराया है, ये ग्रोथ लीनियर के बदले में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और ये जो ग्रोथ पहले जो लीनियर के हिसाब से ऐसे चलता था, वो अचानक ग्रोथ इतना बड़ा हो गया। आज के टाइम में जो नीड ऑफ द आवर है कि बच्चों को जो बाहर की दुनिया से कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आप को एट पार रखने के लिए या ग्रो करने के लिए, जो उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर है। डिजिटल एज में स्पीड बहुत मैटर करती है। और समहाउ जो आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया, क्योंकि अभी प्रेजेंट पेरेंट्स जो है ना, वो आए हैं स्लो स्पीड के एरा से, और आज के बच्चे हाई स्पीड वाले हैं। और ये जो स्पीड का जो गैप आया है ना, आपने जो टॉपिक टच कराया है, यहाँ पर पेरेंटिंग और बच्चों का जो बॉन्डिंग है, उसको संभालना बहुत क्रिटिकल फैक्टर है अशोक। तो मैं एक चीज जानना चाहता था कि अगर इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें, कि नॉर्मली थियोरेटिकल नॉलेज हम सभी को है और काफी लोग जानते हैं,
तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपसे मैं जानना चाहूंगा, तो वो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए एज ए पेरेंट और एज ए चिल्ड्रन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अशोक जी, और क्योंकि हम आज पेरेंट और चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर 3 स्टेप का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिकली सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दौर। पहला स्टेप का पहला लाइन बोलना चाहूँगा कि आज के पेरेंट्स को बच्चों के संग रिलेशनशिप बनाने के लिए पहला फॉर्मूला बिल्कुल दिल पे और जहन में बसा लेना चाहिए। और पहला फॉर्मूला ये है, अपने थॉट प्रोसेस में एक शिफ्ट लाना है जिसकी लाइन है, चिल्ड्रन आर थ्रू यू बट दे आर नॉट फॉर यू। बच्चे पेरेंट्स के द्वारा हैं लेकिन बच्चे पेरेंट्स के लिए नहीं हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सबकी इंटेंशन होती है कि बच्चों को हम बेस्ट प्रोवाइड करें, बच्चों को बहुत सक्सेसफुली हम उनको अचीव करवाएं लाइफ में, ताकि अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकें, बहुत अच्छी तरह जी सकें। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और इंटेंशन दोनों बहुत अच्छी हैं, एक चीज से कनेक्ट करना भूल जाते हैं, जो मैं एज अ पेरेंट सोचता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए यही ठीक है, मेरे बच्चे को यही करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वहां पर हमें अपने आप से सबसे पहले पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या जो मेरी अवेयरनेस है, क्या जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने सीखा है और समझा है, क्या वो आज के जमाने में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेरेंट्स गलत नहीं है अशोक जी, सिर्फ चैलेंज आ रहा है क्या पेरेंट्स आज की स्पीड के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से सोच पा रहे हैं। तो अशोक जी, ये पहला स्टेप है जहां पर हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने के लिए समझना पड़ेगा। इस चीज के लिए स्टेप नंबर 2 में जब भरते हैं अशोक जी, तो क्वेश्चन आता है कि करें क्या। अब यहाँ पे फिलोसफी नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो बोलते हैं, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। दोनों में सिर्फ N और R दो अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट कनेक्ट, अगर आज के जमाने में अगर मैं एज अ पेरेंट, मुझे प्रेजेंट स्पीड को पकड़ना नहीं आ रहा है और मैं प्रेजेंट समय के हिसाब से नहीं अपने आप को पूरी तरह से लेके जा पा रहा हूँ, और हमें सबको पता है अशोक जी कि आज के बच्चे हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट, तेज और एक्टिव है, तो एटलीस्ट मैं उस फेस को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो मैं दो काम करूंगा इसमें। पहला, मैं कनेक्ट करूंगा अपने बच्चे के साथ, ना कि उसको अपने पुराने जमाने के हिसाब से करेक्ट 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 करने में लगा दूं। तो मैंने अपनी डॉटर के साथ क्या करा, जो स्टेप नंबर 3 है, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, और जैसे जैसे मैं उसको समझता चला गया, मेरे और उसके बीच में जो डिस्टेंसेस हो रहे थे वो डिस्टेंसेस कम होने शुरू हुए। मैंने उसको ब्लॉक करने के बदले में उसको समझना शुरू करा, और जैसे मैंने उसको समझना शुरू करा, स्टेप नंबर 2 में मैंने कनेक्शन बनाना शुरू करा। जैसे ही कनेक्शन बनाया, मेरा करेक्शन वाला मोड, जो पेरेंट्स का करेक्ट करने वाला मोड बहुत ज्यादा होता है ना, ये करो, ये मत करो, ये ठीक है, वो गलत है, बच्चे वहां पे बहुत दूर भागते हैं। और अशोक जी, बेसिक फंडामेंटल ये है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप बच्चों को किसी भी चीज से छुपा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और अशोक जी, यहीं पर मेरा जो पॉइंट नंबर 3 आता है, उनको समझो, और उनको जब समझोगे, हमारे जमाने के करेक्शंस आज काम नहीं आएंगे, हमारे इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है अशोक जी, सिर्फ प्रोसेस चेंज करना। अगर हमने प्रोसेस चेंज करा, उसके मैंने आपको 3 स्टेप दे दिए हैं। पहला, दे आर थ्रू अस नॉट फॉर अस, यानी मेरी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। नंबर 2, कनेक्ट देन करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ऑफकोर्स बच्चों से ज्यादा है, और बच्चे जो स्टेप नंबर 3 में जैसे ही आप उनको समझना शुरू करते हैं, वो रिवर्ट में अशोक जी हमें समझना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आके इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग बनती है कि एक हारमोनी जो फैमिली में होनी चाहिए, वो हारमोनी बहुत स्ट्रांग हो जाती है अशोक जी। दिस इज वॉट आई डू विद ऑल द पेरेंट्स इन 101 या ग्रुप में या सेशन में, और यही मेरा मैसेज आपके थ्रू सबको मैं देना चाहूँगा कि
फर्स्ट कनेक्ट देन करें। मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा संजीव जी कि आपने बहुत ही आसान शब्दों में सिंपल तरीके से और जो आपने पॉइंट्स बताए और अगेन आपने बात समझने की बात की, तो समझने के बदले मुझे लगता है लोग समझाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये दो तीन चीजें जो आपने बताई मैं समझता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिव है और ये एक मैजिकल फॉर्मूला की तरह मुझे लगता है काम करेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये तीन पॉइंट्स में बताया। लेवल पे ये आज जो हमने तीन स्टेप की बात करी, मैक्रो लेवल की बात की, बिल्कुल इसके हर स्टेप में माइक्रो लेवल में बहुत गौर से उतरना पड़ता है, बहुत डिटेल में उतरना पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग रेगुलर टच कर सकते हैं और एक एक क्या कर सकते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या तो वो चैट बॉक्स में नीचे अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल दें तो हम उसके हिसाब से उनकी क्या नीड है उसके हिसाब से हम लोग आगे बात कर सकते हैं, या अगर उनको कोई ज़रूरत अशोक जी वो आपसे या मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग उनके पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। बट तो मुझे आपका सुझाव काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने व्यूअर्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर के उसमें और डिटेल में जानना चाहते हैं और उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या उसका जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल फॉर्म में कहें, तो जो भी आप जानना चाहते हैं मैं चाहूँगा कि आप संजीव जी के साथ कनेक्ट हों, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में इसके बारे में वन टू वन सेशन भी किया जा सकता है या ग्रुप सेशन भी किया जा सकता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप कनेक्ट हुए और आपने अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताया और कैसे इससे हमारे सोसाइटी में, हमारे पूरे देश में, फैमिलीज में और एक अच्छा हारमोनियस रिलेशन बनेगा और लोग एक जो हम सब चाहते हैं कि एक हैप्पी स्टेट में रहें, खुशहाल जिंदगी जिएं और इंजॉय करें, लाइफ को सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और आपको मैं बहुत बहुत आपके इस काम की सराहना करना चाहूँगा और आपके इस नेक कदम के लिए मैं दिल से तहे दिल से आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा संजीव जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करा और चलते चलते व्यूअर्स के लिए हम ये बोलेंगे अगर हमारे को कोई भी ऐसा टॉपिक मिलता है जो कि ज्यादा इन डिमांड है तो हम लोग एक वेबिनार भी उसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच अशोक जी। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। मजा आया।